हेलो योगीस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा योग अस्त्र योग में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है? पाथ ऑफ सरेंडरिंग, समर्पण का भाव। तो चलिए देखते हैं, जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12। नाम की बात करें तो भक्ति योग इसका नाम है, और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो भक्ति का स्वरूप पढ़ेंगे, और योग के योगी जो हैं, जो योग करते हैं उन्हें योगी कहते हैं, योगी के लक्षण के बारे में देखेंगे, और 13 नंबर श्लोक जो है उसे भी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पढ़ेंगे। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग, भक्ति का स्वरूप। अब देखेंगे हम भक्ति का स्वरूप क्या है। तो श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो। देखिए ये बता रहे हैं, मया वेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपे पेतास्ते मे युक्त तमामताह। श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं। आनंदमयी भगवान कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने क्या कहा, अब हम इस पे बात कर रहे हैं, सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले मुझ में पूरे मन को स्थिर कर लेता है और श्रद्धा पूर्वक से भाव से क्या करता है, भक्ति में लीन हो जाता है, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। इसके बाद देखते हैं, देखिए कितने छोटे शब्दों में हमने आपको बता दिया। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको छोटे से छोटे शब्दों में बताया जाए, गागर में सागर भरा जाए। योगी के लक्षण, ए त्वच्छरम निर्देश्य निर्देश्य व्यक्तम पर्यपाशते सर्वत्रम चित्तन्यच्च कूटस्थम चलम ध्रुवम। चौथे नंबर श्लोक अब देखेंगे, सन्नी इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राण पूवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये जो अभी हमने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा है, इसी श्लोक में से एक क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी निर्वचनीय अव्यक्त सर्वव्यापक अकल्पनीय अपरिवर्तनीय शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके, इंद्रिय निग्रह क्या है, अंतर्मुखी करना, समेटना, सर्वत्र समभाव से मेरे, हर जगह पे समभाव इक्वल इक्वालिटी का भाव रखते हैं, मेरे परम सत्य जो परम सत्य है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है उसे निराकार कहते हैं, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है उसे अविनाशी कहते हैं, निर्वचनीय जो वचनों से आगे है वो निर्वचनीय है, अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त सर्वव्यापी ईंट पत्थर से लेके छोटे से बड़े स्थान पर जो सर्व हर जगह पर कणकण व्यापे राम जो हर जगह पाया जाता है उसे सर्वत्र कहते हैं, और स्थिर रहता है तो उसको कहते हैं सर्वत्र व्यापक, जो हर जगह प्राप्त है वही सर्वत्र व्यापक है, अकल्पनीय जो कल्पना से परे है वो अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता बदला नहीं जा सकता उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं, शाश्वत हमेशा सदियों से युग युगांतर से चला आ रहा है उसे शाश्वत कहते हैं, और अचल जो चल नहीं सकता, चल का मतलब चल अचल जो स्थिरता का स्वामित्व रखता है, जैसे ईश्वर वो तो नाशवान नहीं है तो वो क्या है, अचल है, अचल रूप से पूजा करते हैं अर्थात स्थिर मन से पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं, और वो सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है अर्थात उनके दुख को कम करने के बारे में कार्य करता है, और वो भी संलग्नता के साथ तो वो मुझे
बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है या वो मुझे प्राप्त करते हैं। अब भक्ति योग का, अब हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, इसमें अब क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण है? आप लोगों को बताना है कि भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण है। सर्वभूत हिते रता, अगर मैं बात करूँ तो स्लाइड में भी आपको हाईलाइट किया गया है कि किसके बारे में सर्वभूत हिते रता कहा गया है। चलिए अब देखते हैं योगी के लक्षण कौन से योगी के लक्षण हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल कर दूं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर वन, सांख्य योगी को कहा गया है सर्वभूत हिते रता, या फिर ज्ञान योगी को कहा गया है सर्वभूत हिते रता, या फिर भक्ति योगी को, जो भक्ति योग करता है उसे भक्ति योगी योगी कहते हैं, भक्ति योगी को कहा गया है, या फिर कर्मयोगी को कहा गया है। अब हम छठा और सातवां श्लोक एक साथ में पढ़ेंगे। एतु सर्वाणि कर्माणि, एतु सर्वाणि कर्माणि, मयि संयस्यः मत्परः अनन एनैव योगेन माम ध्यायान्त उपासते। सातवां नंबर श्लोक में कहते हैं, तेषां महं संबुद्धिर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयावेचित चेतसाम। चलिए अब श्लोक पर दृष्टिपात करते हैं। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन जो अपने सारे कर्म को परमात्मा पे अर्पित कर देते हैं, मुझ में अर्पित कर देते हैं, आपने देखा होगा, चलो ठीक है मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान की जैसी मर्जी होगी होगी, तो क्या है कि मुझ में अर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं, और उनका मेन टारगेट अगर वो मुझे अपना टारगेट समझ करके करते हैं, साधना करते हैं, मुझे पाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, और बिल्कुल समर्पण के साथ अगर वो मेरा ध्यान करते हैं, मन को अगर मुझ में स्थित कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत करते हैं, सबसे पहले मन को स्थिर करते हैं, और चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को भी मुझ में एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ, कह रहे हैं हे अर्जुन तब मैं क्या करता हूँ, बहुत जल्दी ही मृत्यु और ये जन्म रूपी जो सागर है, इस सागर से पार करके उसे परम धाम वैकुंठ की ओर लेकर जाता हूँ, उद्धार ही परम धाम वैकुंठ है। अब देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है, बताते हैं अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या बता रहे हैं कि हम अभ्यास क्यों करते हैं, प्रैक्टिस क्यों करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ज्ञान के लिए। ज्ञान क्या है, नॉलेज, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, फिर जब ज्ञान आपको नॉलेज मिल गया तो फिर आप ये मत समझिए कि नॉलेज ही एवरीथिंग है, नॉलेज नॉट एवरीथिंग। अब बताते हैं ध्यान, ज्ञान से नॉलेज से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्याना मीन्स मेडिटेशन, मेडिटेशन। इसके बाद बताते हैं कि अभी ये ना समझें कि ध्यान जो है वही श्रेष्ठ है, अब ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, बता रहे हैं कि ध्यान से श्रेष्ठ कर्म के फलों का त्याग, आपने जो कर्म किया है निष्काम कर्म, अर्थात फल की इच्छा के बिना अगर कर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना गया, और वही क्या है, परम शांति है, वही निर्वाण है। अभी जो हमने ये देखा, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, और ये 2022 में क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट के पेपर में, तो आप सभी लोग इस बात को कंठस्थ कर लें और अपने नोट्स में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कौन सा भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, श्लोक के माध्यम से अभी देखेंगे। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरंकार समदुख समसुख समी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मै अर्पितं मनोरबुद्धियो मद्भक्तः
सा मे प्रियः। कहते हैं जो किसी प्राणी के द्वेष नहीं करते, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते मतलब किसी भी प्राणी से जलन की भावना नहीं रखते, ईर्ष्या का भाव नहीं रखते, सबके मित्र हैं, वो सबके क्या हैं, फ्रेंड हैं, सखा हैं, दयालु हैं, उनके अंदर मर्सी है, लोगों के प्रति दया और करुणा है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। और ऐसे लोग, ऐसे भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं। उनके अंदर कोई स्वामी मालिक बनने की कोई भावना ही नहीं है और किसी भी प्रकार की आसक्ति भी नहीं है और अहंकार से वो मुक्त हैं। और ऐसे लोग मुझे अति प्रिय हैं। सुख और दुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान रहते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन वो हर स्थिति में क्षमावान रहते हैं, वे सदा तृप्त रहते हैं, और जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसा जो योगी भाव रखता है वो भगवान को अति प्रिय है। मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं वे परम, ये बता रहे हैं, वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर देते हैं। क्या बता रहे हैं, दृढ़ता के साथ मतलब अडिगता के साथ एकीकृत मन को स्थिर करते करने वाला व्यक्ति को एकीकृत कहते हैं। न इधर न उधर, थाली का बैगन नहीं बनता है, वो एक जगह पर रुक जाता है और आत्म संयमित होकर अपने आत्मा को संयमित कर लेता है। इसके बाद क्या करता है, दृढ़ संकल्प के साथ मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हैं, और दृढ़ संकल्पित होकर के मन और बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर देता है। तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। अब हम 20 नंबर के श्लोक को देखेंगे। एतु धामृतमिदं यथोक्तं पर्यपाशते सद्धानामत परमा भक्तो अस्ते अतीव मे प्रियाः। 20 नंबर श्लोक में बताते हैं कि अति प्रिय कौन है। चलिए देखते हैं अब इसके मीनिंग के माध्यम से। वे जो सभी बता रहे हैं कि वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा उसमें बताया गया है कि जो प्रकट किया है अर्थात जो हमने भी पढ़ा है, वो जो ज्ञान रूपी नॉलेज है उसका आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण में भरोसा रखते हैं, अधिक विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मान करके मुझ पर समर्पित होते हैं, वे अति प्रिय हैं। क्या बता रहे हैं कि वे लोग जो अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं सबसे पहले बात, और दूसरी बात ईश्वर में इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं और निष्ठापूर्वक विश्वास करते हैं, अगाढ़ विश्वास, परम लक्ष्य मानकर, और वही ईश्वर की प्राप्ति ही उनका टारगेट होता है, ऐसा मान करके जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ऐसे वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किसके लिए कहा, अपने भक्त के लिए कहा। अब हम चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और विभाग योग। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभि धीयते एतद्यो वेति त्वं पाहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दूसरे नंबर का श्लोक हमने कंप्लीट किया है, चलिए अब इसके मीनिंग को देखते हैं। कहते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र अर्थात कर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारा जो शरीर है वो क्या है, कर्म क्षेत्र है, इस रूप में परिभाषित किया गया, बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, क्षेत्र है, जिसे हम कर्म क्षेत्र कह सकते हैं। जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता कहते हैं। कह रहे हैं कि जो शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में जान लेता है
शरीर क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र है। और सत्य किसके माध्यम से जानता है? वो ऋषियों के माध्यम से जानता है। और जो ज्ञान कराने वाला कौन है? वो गुरु है। गुरु के माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वही क्या है? क्षेत्रज्ञ, अर्थात शरीर का ज्ञाता, शरीर के बारे में जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और शरीर क्या है? कर्म क्षेत्र है। शरीर के बारे में जानने वाला मनुष्य क्या है? क्षेत्रज्ञ है। ऋषि भीर बहुधा गीतम चंदोर भीर विविध है कह पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश हेतुम भद्दी निश्चिते हा। इस श्लोक के बारे में अब हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया कि जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो सत्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वैदिक स्रोत, जो वैदिक हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जिसमें ब्रह्म सूत्र के ठोस तर्क के आधार पर और निर्णयात्मक साक्ष्यों से के साथ प्रकट किया गया, और निर्णयात्मक जिन पर निर्णय लिया जा सकता है ऐसे साक्ष्य के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का 6वां नंबर श्लोक। कहते हैं महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तहमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचेन्द्रिय गोचराः। चलिए अब देखते हैं क्षेत्र कर्म के 5 महातत्वों, अहंकार बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियों, जिसमें 11 इंद्रियों में क्या क्या आ रहे हैं? 5 महाभूत आ रहा है, 5 कर्मेंद्रिय आ रहे हैं और 1 मन आ रहा है। तो इसमें से क्या होगा? 5 ज्ञानेंद्रिय, जो 5 हमारे पाद जो ज्ञान करवाती हैं। जैसे ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें त्वचा से मिलता है, कानों से मिलता है, आँखों से मिलता है, नाक से मिलता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों को मिलाकर 10 हो गए और मन 1 हो गया 11। और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित हैं, और यही जो है इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित हैं। तो देखते हैं 5 महाभूत क्या हैं, 5 महातत्व क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु दिखाया गया है। और जो हमें ज्ञान कराती हैं, ज्ञान कौन कौन सी इंद्रिय कराती हैं? तो ईयर, कान से सुनते हैं, जो हमारा टंग है, टंग से क्या करते हैं? हम टेस्ट लेते हैं, और टच, स्पर्श से हमें पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है। आईज, आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ सामने है। स्मेल, नाक से हम सुनते हैं तो सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है। और मन, और एक हमारा मन है, क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 5 5 10 और 1 मन को मिलाकर 11। चलिए अब देखते हैं यहाँ, इच्छा द्वेषः दुखम सुखम, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, संघात चेतनाधृति एतत्क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर और चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। क्या क्या कह रहे हैं? इच्छा, इसके बाद घृणा, घृणा का मतलब क्या है? जलन। सुख, सुख का मतलब है हैप्पीनेस, दुख का अर्थ है सारो। शरीर, चेतना, हमारी बॉडी और हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। कार्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले इच्छा, इसके बाद घृणा, इसके बाद सुख, इसके बाद दुख, इसके बाद शरीर, चेतना, शरीर है और चेतना है, और इसके बाद लास्ट में इच्छा शक्ति, ये सब कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तथा इसके विकार हैं, और यही इनके विकार भी हैं। क्या हैं? श्री कृष्ण ने अब क्षेत्र के गुणों और उनके विकारों को स्पष्ट करते हैं। अभी हमने जो देखा है इच्छा शक्ति में सम्मिलित जो हैं, इच्छा, घृणा, सुख, दुख, शरीर, चेतना, ये सब क्या है? इच्छा शक्ति के कार्य क्षेत्र हैं। अब देखते हैं कि इसके विकार क्या क्या हैं। ये श्लोक आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, 8वें से लेकर 12वें तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 8वें से 12वें तक का मीनिंग देख लेते हैं। बताते हैं नम्रता,
आडंबरों से मुक्ति सबसे पहले नम्रता, आडंबरों से मुक्ति ढोंग ढकोसले पर ज्यादा भरोसा ना करना, उससे मुक्ति करना पाना है। अहिंसा, जीवों के प्रति, किसी के प्रति अहिंसा नहीं करना है। क्षमा, क्षमा का भाव हमेशा होना चाहिए एक योगी में। सादगी, हमेशा चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। गुरु सेवा, और गुरु की सेवा करने में कभी भी उसे मतलब मना ही नहीं करना है, हमेशा तैयार रहना। मन और शरीर की शुद्धता, मन से भी शुद्ध रहना है और शरीर से भी शुद्ध रहना है। दृढ़ता और आत्मसंयम, दृढ़ बने रहना है बिल्कुल सुख दुख में, उसे कहते हैं ना आंधी तूफान में भी उसे घबराना नहीं है। इसके बाद आत्मसंयम और आत्मा पर संयम स्थापित करना है, मन पर निग्रह करना है। इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, और जो इंद्रिय विषय हैं उनके प्रति उदासीनता का भाव होना चाहिए। अहंकार रहित होना है, और कभी भी उसे घमंड में परिपूर्ण नहीं होना है। अहंकार नहीं आने देना है, उससे हमेशा दूर रहना है अहंकार से। जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान ध्यान देना। बता रहे कि जन्म जन्म लिया और रोग रोग उत्पन्न हुए, इसके बाद बुढ़ापा, और इसके बाद मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना। जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु पर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आसक्ति, और कहीं पर प्रेम मिला तो ज़्यादा लगाव नहीं करना है, कहीं पर घृणा मिला तो उससे हमें डिटैच नहीं होना है, मतलब किसी भी भाव में हमें किसी से जुड़ना ही नहीं है। अनासक्ति भाव, स्त्री, स्त्री पर बता रहे, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना। स्त्री हो, बच्चा हो, घर परिवार, उनके लिए ममता मतलब प्रेम आपको करना है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रेम रहित जीवन में वांछित और अवांछनीय घटनाओं के प्रति संभाव, जो जीवन में वांछित और अवांछित घटनाएं हो रही हैं उनसे भी हमें संभाव रहना है, उनमें भी हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। मेरे प्रति अनन्य और अविरलता, भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की लौकिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और यही सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और जो भी इसके प्रतिकूल है मैं उसे अज्ञानी मानता हूँ, और जो भी इनके बियॉन्ड जाते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे अज्ञानी मानता हूँ। अब 22वां नंबर श्लोक में देखेंगे, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुजंते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगस्थ सद सदद्यो निजन्मसु। पुरुष अर्थात जीवन प्रकृति में स्थिर होता है, प्रकृति के तीन गुणों के भोग की इच्छा करता है, उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म जन्म लेता है। बता रहे हैं कि जो हमारा पुरुष है या जीव प्रकृति में स्थित होता है, वो प्रकृति के तीन गुण, जैसे कहते हैं ना सत्व रजस्तम, तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों के भोग के लिए वो ललायित होने लगता है। तो बता रहे हैं कि वो इच्छा करता है तीन गुणों की, उनमें आसक्त होने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। अगर उसमें उसी में लीन होने के कारण उसके जैसे कर्माशय बनते हैं, तो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उत्तम योनि में जन्म लेता है, और अगर बुरे कर्म हो गए उससे तो वो अधम योनि में जन्म लेता है। समं पश्यन्निहि सर्वत्र समस्थितमीश्वरं नहिन्यस्यस्य आत्मानं ना आत्मानं यतो याति परामगतम्। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों के समान रूप में स्थिर रहते हैं, बता रहे हैं कि वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थिर देखते हैं, वे अपने मन में से स्वयं को निम्नकृत कर नहीं करते। इस प्रकार वे अपने परम गंतव्य इस प्रकार वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। बता रहे हैं वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से देखते हैं,
ऐसा व्यक्ति जो भगवान सोचता है कि सभी जीव में ईश्वर हैं और हर जगह हैं, अपने मन से स्वयं को एक निम्नकृत नहीं करते और वो अपने मन से स्वयं को द्वारा निम्नकृत बांटता नहीं है, इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त होता है। और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो अपने परम गंतव्य अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। प्रकृति प्रकृत एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः एषः पश्यन्ति एषः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सः पश्यति। जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृतिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि शरीर में जितनी भी कार्य हो रहे हैं ये कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो है प्राकृतिक शक्ति है वो कर रही है, देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ कर ही नहीं रही है। और जो हमारी देहधारी आत्मा है ये सत्य बात ये है कि ये कुछ नहीं कर रही है, और यही क्या है वास्तविकता है, और यही वास्तविकता को देखता है ऐसा बताया जा रहा है। यथा सर्वगतम सौक्षा यथा सर्वगतम सौक्ष्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथा आत्मा नोपलिप्यते। अब यहाँ आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, काफ़ी रमणीय फिगर लगा हुआ है, इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं देखा जाए तो। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 13 35 नंबर का जो उत्तर है क्या है। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। बता रहे कि अंतरिक्ष जो है वो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, मगर ये सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उनमें लिप्त नहीं होता है, लेकिन ये जिसको भी धारण किया है उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म धर्म से प्रभावित नहीं होती। कह रहे हैं कि इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है ना, जो शरीर में निवास करती है, वो शरीर से उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता, वो उसमें लिप्तता आती ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराएँ। हर हर महा।